नवरात्र माँ शक्ति स्वरूपिणी की पूजा अर्चना और आंदोलन एक साथ। कई दिनों से अपने आंदोलन पर उतारू ये जो कंप्यूटर शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के जो लोग हैं, लगभग 1500 से अधिक जो इससे जो लोग थे जिन्हें सरकार ने हटा दिया और उसके बाद से लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं। कई लोग इनके आमरण अनशन पर हैं, सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं और अब अपने आंदोलन के साथ साथ ये माँ शक्ति स्वरूपिणी माँ दुर्गा की पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। जाहिर तौर पर इस नवरात्र में अपने आंदोलन को ये और धारदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने धरना स्तर पर, ये जो पटना का गर्दनी बाग है जहाँ ये धरना दे रहे हैं, वहाँ इस धरना और आमरण अनशन के साथ साथ माँ शक्ति स्वरूपिणी का इन्होंने बजाबते स्थापना किया है, कलश का स्थापना किया है, यानी ये आंदोलन और पूजा एक साथ करेंगे। सबसे अहम है कि ये जो कंप्यूटर से जुड़े जो लोग थे जो लगातार अपनी आंदोलन कर रहे थे, लगातार इनकी जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं सरकार से है। सबसे अहम है कि आखिर मांगे क्या है और आप कब से आंदोलन को उतारू हैं? पिछले 22 तारीख से 22 आठ 2017 से हम लोग धरना दिए, 31 आठ से जो है आमरण अनशन पे हम लोग आज तक बने हुए हैं। सरकार हमारे तरफ कोई ध्यान नहीं दी है, ये निकम्मी सरकार है। कंप्यूटर शिक्षकों को हटाया जा रहा, ये अपने आप में एक बहुत गलत संदेश जाएगा हमारे देश और दुनिया में। डिजिटल इंडिया और डिजिटल भारत, जहाँ चांद पर लोग घर बनाने की बात करते हैं और बिहार में कंप्यूटर शिक्षकों को हटाया जाना, ये अपने शर्म की बात है, हमारे प्रदेश की शर्म की बात है। और इतने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, इनके डिपेंडेंट्स लोग आज हाहाकार कर रहे हैं घर में, हम लोग का दुर्गा पूजा नहीं मनेगा। सारे लोगों का वेतन तक रुका हुआ है, 8-9 महीने से वेतन नहीं मिला, उसके बावजूद माँ दुर्गा का हम लोग जो है आराधना किए हैं कि माँ दुर्गा हमारे बिहार सरकार को सद्बुद्धि दे कि हम लोगों को स्वास्थ्य रोजगार जो है देने का काम करे, हम लोगों का पेट भरने का काम करे, रोजी रोटी देने का काम करे। कई सप्ताह से कुछ इसी अंदाज में आंदोलन किया जा रहा है, कई लोग आमरण अनशन पर हैं और इस बीच माँ शक्ति स्वरूपिणी की पूजा अर्चना भी की जा रही है। क्या लगता है कि आंदोलन और पूजा अर्चना क्या आपका जो समय है वो बदलेगा? बस माँ दुर्गा पे हमें भरोसा है, वो पूरा करेगी। बिहार गवर्नमेंट पे तो भरोसा उठ चुका है, अब माँ दुर्गा पे ही भरोसा हम लोग कर चुके हैं। आपके कई साथी आमरण अनशन पर भी हैं, क्या सरकार सुध ले रहा है इस मामले को? सरकार कुछ सुध नहीं ले रहा है, सरकार बस गोल कान में तेल डाल के बैठी हुई है, कुछ सुध नहीं ले रही है। और हम लोग अब माँ दुर्गा पे ही आश्रित हो चुके हैं, अब घर द्वार छोड़ करके यहाँ पे ही अनशन में बैठे हुए हैं और यहाँ पूजा आश्रम में। लोग आप अभी माँ दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो अनशन आप कर रहे हैं? 5 लोग हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे अनशन में भी और यहाँ पे माँ दुर्गा के आश्रम में भी। ये हम लोग निर्जला होकर के बैठे हुए हैं। ये आंदोलन का अपना तरीका है, लगातार ये अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं जवाब भी मांग रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच शक्ति स्वरूपिणी माँ दुर्गा की ये जो पूजा अर्चना शुरू हुई है, इन्होंने अपने धरना स्थल पर इनकी स्थापना कर दी है और बेबस जरूर हैं, लेकिन ये जरूर है कि अब माँ दुर्गा ही इनकी जो मांग है वो पूरी करेगी। वैसे लगातार इस मामले को लेकर विपक्ष हमलावर है, सरकार के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है। कई लोग आमरण अनशन पर हैं, जो बगल के ही अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा है, लेकिन अब उम्मीद है कि इस नवरात्र उनकी मांगें पूरी होगी। माँ दुर्गा शायद सरकार को इस तरह की मंशा देगी कि वो इनकी मांगों को पूरा करेंगी। कैमरन मोहित के साथ अमित कुमार, न्यूज इंडिया, पटना। नवरात्र कलश स्थापन का पानी लाने पटना के दीघा स्थित रामजीचक घाट पर गए एक युवक की डूबकर मौत हो गई। दरअसल ये घटना पटना के दीघा स्थित रामजीचक घाट का है, जहां कलश स्थापन के लिए पानी लाने गए 19 वर्षीय युवक डूबकर मर गया है। घटना आज सुबह की बताई जा रही है। पुनाई चक के रहने वाला यह युवक अपनी मां के साथ कलश स्थापन का पानी लेने पटना के दीघा घाट पहुंचा था और नहाने के क्रम में यह लड़का डूब गया। वहीं काफी देर तक गोताखोरों के न पहुंचने से परिजनों में काफी रोष नजर आया। वहीं कई घंटे देर से पहुंचे गोताखोरों ने उसके शव को काफी मशक्कत के बाद निकाला और साफ तौर से मृतक के पिता ने कहा कि बच्चा पढ़ने में काफी होनहार था, ये कैसे डूब गया, इन कारणों का पता लगाया जा रहा है। साफ तौर से घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने साफ तौर से कहा है कि युवक कलश का पानी लेने आया था और नहाने के क्रम में पटना के दीघा घाट पर डूब गया है। वहीं काफी मशक्कत के बाद युवक का शव निकाला गया और स्थानीय प्रशासन ने उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए नजदीकी अस्पताल भेज दिया है। हम देख भी नहीं सके कि क्या कैसे डूबा कैसे था। इंटर का मैट्रिक में पास किया था, फर्स्ट डिवीजन से सर सीबीएसई से पढ़ाए थे सर, इन कॉलेज में एडमिशन कराने के चक्कर में तो उसका पढ़ने में बहुत तेज था। पर सबसे बड़ी बात यहाँ ये उठ खड़ी होती है कि कलश स्थापन के लिए पानी लाने वाले युवक गहरे पानी में उतर जाते हैं और कहीं ना कहीं इसी
क्रम में कई बार ऐसी घटनाएं होती देखी गई है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ नीरज त्रिपाठी, न्यूज इंडिया, पटना। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले से जुड़े मामले की सुनवाई को लेकर रांची की सीबीआई की विशेष अदालत की लगातार चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं। गुरुवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले से जुड़े दो मामलों में न्यायालय में पेश हुए। देवघर और चायबासा कोषागार से हुई अवैध निकासी के मामले में डिफेंस की तरफ से दो गवाह पेश किए गए। लालू की तरफ से कालूराम बिहार भवन की ओएसडी की गवाही देवघर और चायबासा मामले में हुई, वहीं विश्वास की गवाही चायबासा मामले में आज हुई। अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि लालू प्रसाद यादव आज दो मामलों में अदालत में पेश हुए। RC 68A 96 में आरिफ विश्वास और RC 64A 96 में कालूराम बिहार भवन के ओएसडी के गवाही दर्ज कराई गई। आज ये दो केस जो हम लोग का था डिफेंस में, दोनों केस में दो दो गवाह का हाजिरी दिए। नीचे RC 68A 96 में आरिफ विश्वास और कालूराम जी का गवाही दर्ज कराया गया, और 64A में आरिफ विश्वास साहब का पिछले ही हफ्ता हम लोग करवा दिए थे तो उनकी गवाही नहीं यहाँ हुए, और DP ओझा साहब जो रिटायर्ड DGP बिहार थे उनकी गवाही दर्ज अभी चल रही है और अब 2:15 बजे लंच के बाद से होगा, और हाँ फिर आएंगे, और कालूराम जी का जो है यहाँ पर हम लोग गवाही करा के उनका डिस्चार्ज करवा देंगे। तो हालांकि लालू यादव के लिए ये कोई नई बात नहीं, इससे पहले भी लालू यादव रांची की CBI अदालत में कई बार चक्कर लगा चुके हैं। कैमरामैन मंटू सिंह के साथ सूरज, न्यूज इंडिया, रांची। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने रघुवर सरकार के 1000 दिन को ढकोसला करार दिया है। कांग्रेस का मानना है कि रघुवर सरकार की ये उपलब्धियां नहीं बल्कि नाकामियां हैं। प्रदेश की BJP सरकार के 1000 दिन की उपलब्धियों को लेकर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को आड़े हाथों लिया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखदेव भगत ने कहा है कि महिलाओं के कल्याण का दावा करने वाली इस सरकार की असली हकीकत कुछ और है। विधवा कल्याण में राज्य सरकार द्वारा एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया है। वैसे ही तस्वीर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की है। यही नहीं, कौशल विकास का दावा करने वाली मौजूदा सरकार ने युवतियों की दक्षता बढ़ाने के लिए भी कोई पैसा नहीं खर्च किया। सरकार एक तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रही है, वहीं कैपिटा इनकम मामले में झारखंड नीचे से छठे स्थान पर है। वहीं सोशल सेक्टर में एक्सपेंडिचर मामले में राज्य की स्थिति खराब हुई है। जहां 2005-06 में झारखंड का स्थान 12वां था, वहीं 2015-16 में 16वां हो गया है। कृषि के क्षेत्र में एग्रीकल्चर लोन में भी गिरावट आई है, जिसके कारण इस साल 7 किसानों ने आत्महत्या कर ली। साथ ही राज्य में अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। नवरात्र आज प्रारंभ हुआ है और मातृशक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, और ये सरकार जो अलग जेंडर बजट की बात करने वाली, महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली सरकार, इसने महिलाओं पे बहुत सारे ऐसे एडेंट्स पे एक पैसे भी आज तक खर्च नहीं किए। कथनी और करनी में सरकार का ये अंतर है। और अमित शाह जी जिस ग्रोथ रेट की बात किए हैं, झारखंड में पर कैपिटा इनकम पूरे देश में नीचे से छठे पायदान पे है। दूसरी बात, यहां पे मोमेंटम झारखंड की बात करने वाली सरकार के हालात ये हैं, मोमेंटम झारखंड तो नजर नहीं आ रहा है, मूवमेंट जो है इन झारखंड जरूर नजर आ रहा है। कांग्रेस की माने तो रघुवर सरकार हर क्षेत्र में फेल है, और उनकी नाकामियों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी। अपने सहयोगी रिजवान के साथ कमल, न्यूज इंडिया, रांची। दुर्गा पूजा को लेकर रांची रेलवे ने झारखंड वासियों को एक सौगात दी है, जिसमें बताया गया है कि यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से यात्रियों के लिए रांची रेलवे ने कमर कस ली है। दुर्गा पूजा को लेकर रांची रेलवे प्रशासन की तरफ से रांची रेलवे स्टेशन और हटिया रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे रेलवे स्टेशन पर RPF और GRPF की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। साथ ही CCTV से पूरे रेलवे स्टेशन की निगरानी की जा रही है। वहीं पूजा को लेकर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए कई नई स्पेशल ट्रेन को भी चलाया जा रहा है, ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। वहीं रांची डिवीजन के सीनियर DCM नीरज कुमार ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से तमाम सुविधाएं यात्रियों को दिए जा रहे हैं। हटिया रेलवे स्टेशन के सीनियर DCM नीरज कुमार के मुताबिक दुर्गा पूजा को लेकर कई स्पेशल ट्रेन चलाए जा रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी कई सुविधाएं यात्रियों को उपलब्ध कराए जाएंगे।
जिसके लिए रेलवे पहले से ही अपनी पूरी तैयारी कर ली है। पटना और पूना के लिए हम लोग स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं और जैसा लास्ट ईयर भी हम लोगों ने किया है दुर्गा पूजा के लिए, अगर भीड़ को देखते हुए और ऑपरेशनल फिजिबिलिटी को देखते हुए जहां तक हो पाएगा हम लोग एक्स्ट्रा कोचेज लगाएंगे, उसकी कवायद चल रही है। जहां तक संभव हो पाएगा स्लीपर या एसी थर्ड ए सेकेंड एसी डिपेंडिंग ऑन ट्रेन वो लोग लगाने को। सिक्योरिटी के लिए जैसा आप जानते हैं रांची स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे हैं जिससे कि निगरानी सीसीटीवी के द्वारा की जा रही है, और इसके अलावा आरपीएफ है हमारे यहाँ, आरपीएफ एंड आरपीएसएफ है। इसके अलावा हमारे जो टिकट चेकिंग स्क्वाड रहते हैं वो भी मुस्तैद रहते हैं। जीआरपी की भी मदद ली जा रही है रेगुलर, जिससे कि हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है स्पेशली पूजा के दौरान दुरुस्त। बहरहाल यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ रेलवे तमाम सुविधाओं के दावे कर रही है। अब देखना होगा कि यात्रियों को इन सुविधाओं से कितना लाभ होता है। सहयोगी मंटू के साथ मोहिजुद्दीन, न्यूज इंडिया रांची। शारदीय नवरात्र का पर्व आज देश भर में कलश स्थापना के साथ शुरू हो गया। रांची में भी इसे लेकर विशेष पूजा अर्चना की व्यवस्था की जा रही है। अभी हम खड़े हैं रांची के हरमू मैदान में जहां की कलश स्थापना की पूजा हो रही है। कलश स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्र का शुभारंभ होगी। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र के पावन पर्व को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है, तो वहीं राजधानी रांची में भी मां भवानी की आराधना से पूरा शहर भक्ति से सराबोर नजर आ रहा है। राजधानी के विभिन्न पूजा पंडालों में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है, तो वहीं श्रद्धालु भी शेरों वाली माता की शिद्दत से पूजा अर्चना करते देखे जा रहे हैं। इन 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि भक्त माँ की आराधना कर मनवांछित फल पाते हैं। रामचंद्र जी जब रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रार्थना किए तो भगवती पूरे परिवार के साथ आकर बेल वृक्ष पर रहने लगे। उनकी पूजा 10 दिनों की होती है, 9 दिन तक उनका पूजा किया जाता है, और आज पहला दिन है प्रतिपदा। कलश स्थापन के आधार पर हम लोग भगवती को आमंत्रित करते हैं, भगवती कलश में निवास करती है। इसके बाद 6 दिनों तक हम लोग कलश की ही पूजा करते हैं भगवती को मानकर, और 6ठे दिन बेलगांछ पर जाकर हम लोग बिलवा निमंत्रण करते हैं, क्योंकि भगवती का वास वहीं पर है। वो महाल्या के दिन से ही बेलगांछ पर निवास करने लगती हैं, रामचंद्र जी के अनुरोध पर आई थी, तो हम लोग उनको निमंत्रण देने जाते हैं कि भगवती अब हम प्रतिमा का स्थापन करने जा रहे हैं, सप्तमी से आपकी पूजा शुरू करेंगे प्रतिमा का, तो आपको लेने के लिए हम लोग कल आएंगे, आप चलिएगा। ये निमंत्रण षष्ठी को किया जाता है। कलश स्थापना के साथ माता शैल पुत्री की आज पूजा की जाती है, तो वहीं कल ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा होगी। हम फिर मिलेंगे रांची में किसी और जगह कल ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए। कैमरामैन रिजवान के साथ ओम प्रकाश सिंह, न्यूज इंडिया रांची। नवरात्र शुरू होते ही पूरे देश में लोग मां की आराधना में जुट गए हैं, पर देवघर के बालानंद आश्रम में यह पूजा काफी अनोखे विधि से की जाती है। देवघर के बालानंद आश्रम में दुर्गा पूजा की अनोखी परंपरा लगभग 100 वर्षों से चली आ रही है। यहां कन्याओं को माता पार्वती का स्वरूप मानकर 9 दिनों तक मां दुर्गा के साथ पूजा की जाती है, और श्रद्धालु उससे आशीर्वाद पाने के लिए उमड़ पड़ते हैं। यहां एक दूसरी खास बात यह भी है कि नवरात्र के पहले ही दिन यहां मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित हो जाती है, जिसका कलश स्थापना दुर्गा रूपी कुंवारी कन्या के द्वारा कराया जाता है, और रोजाना दर्जनों पुरोहितों द्वारा माँ का पाठ किया जाता है। इस आश्रम के अनोखी पूजा को देखने झारखंड सहित अन्य राज्यों के श्रद्धालु भी उमड़ पड़ते हैं, जिसमें बंगाल के श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक होती है। वे भी यहां की पूजा विधि से काफी प्रभावित होते हैं। बच्ची को देवी मानकर पूजन काफी उत्साहित करने वाला दृश्य होता है। सचमुच बेटी माता पार्वती की ही तरह संसार का सृजन करती है। समाज में उन्हें देवी का दर्जा मिलना ही चाहिए, तभी वह दुर्गा का रूप लेकर सामाजिक कुरीतियों का संहार करेंगी। इसका माँ का स्वरूप में इनको पूजा किया जाता है। कन्या दुर्गा माँ का कोई भी आपको काली बोलिए, अन्नपूर्णा बोलिए, जगदात्री बोलिए, तो माँ का स्वरूप मान के उनको पूजा किया जाता है। टोटल कितना कन्या हो जाती है शुरू से पति प्रथम से लेके 9 दिन में 9 ठो होगा। पूजा का स्पेशलिटी जो है प्रतिपद से शुरू होता है, दूसरा जगह में षष्ठी से शुरू होता है, यहाँ पर 9 दिन का पूजा कुमारी का यहाँ सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस है, इसलिए क्योंकि 9 आज एक
काल दो ऐसा करके प्रतिपद में नौ नौ कुमारी तक पूजा होगा हर साल आते हैं सामने बहुत आदमी आते हैं षष्ठी पूजा के दिन से हम तो अभी आए हैं लेकिन सब बहुत भक्त शिष्य आते हैं बहुत अच्छी तरह से ही बहरहाल देवघर के इस आश्रम में बच्चियों को देवी मानकर पूजन काफी उत्साहित करने वाला दृश्य होता है कैंपस संदीपा के साथ मैं कुमार न्यूज इंडिया देवघर डॉन अखिलेश सिंह के पिता चंद्रगुप्त सिंह पर 11 सितंबर को अज्ञात अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की और इस मामले में चंद्रगुप्त सिंह बाल बाल बच गए उधर इस फायरिंग के मामले में पुलिस ने चार अपराधी को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधी के पास से एक पिस्टल और दो गोली बरामद हुई है वहीं इस हमला में शामिल से अपराधी अभी भी पुलिस के पकड़ से दूर है उधर बाकी बचे अपराधियों की धरपकड़ को लेकर पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है पुलिस का मानना है कि गैंग वॉर में यह घटना घटी है अखिलेश गुट और परमजीत गुट के आमने सामने है और सूत्र ये भी बताते हैं कि अपराधी उपेंद्र सिंह गुट का भी इस हमला में हाथ है क्योंकि उपेंद्र सिंह की हत्या के बाद बदला लेने के नियम से यह हमला किया गया है दिनांक 11/9/17 को जो सिद्धपुरा क्रॉस रोड नंबर 28 में चंद्रगुप्त सिंह के घर के सामने जो गोली चली थी जिसमें प्रफुल्ल महतो को गोली लगी थी उस मामले का खुलासा हो गया है इसमें टोटल 10 लोग शामिल थे पूरी घटना और साजिश में जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 6 लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई जिनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास चल रहा है और गिरफ्तार लोगों के पास से घटना प्रयुक्त एक पिस्टल और 2 गोली बरामद किया गया है इसमें मुख्य साजिशकर्ता इस घटना के हरपाल सिंह खीरे हैं घटना का कारण पूर्व आपराधिक प्रतिद्वंदिता है क्या उनके पिता से है या अखिलेश सिंह नहीं है अखिलेश सिंह से प्रतिद्वंदिता है जमशेदपुर से न्यूज इंडिया लाला जली जयपुरी अस्पताल एक बार फिर से मरीजों के लिए नई सौगात लेकर आया है चिकित्सा मंत्री कालीचरण सर्राफ ने आज जयपुरी अस्पताल में एमआरआई मशीन का उद्घाटन किया आपको बता दें इससे पहले सिटी स्कैन मशीन का उद्घाटन हुआ था वहीं इसका लाभ जो है पूरा जयपुर शहर ले सकेगा वहीं दक्षिण इलाका जो है जयपुर का वो खासकर इसका लाभ आसानी से उठा पाएगा वहीं चिकित्सा मंत्री ने यह भी कहा है कि आने वाले 6 महीने में जयपुरी अस्पताल में कैथ लैब का भी उद्घाटन किया जाएगा एसएमएस हॉस्पिटल में निरंतर आउटडोर और इनडोर बढ़ता जा रहा है तो उसको कम करने के लिए हमने जयपुर के पश्चिम में कामटिया हॉस्पिटल जयपुर के उत्तर में गणगौरी हॉस्पिटल और जयपुर के दक्षिण में जयपुरिया हॉस्पिटल को डेवलप करने का काम किया है और जब यह कांवटिया में आपको पता है कि ये एमआरआई और सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है बनीबाग सैटेलाइट में अपने सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है उसी प्रकार से जयपुरिया में भी अब कांवट ये अपने एमआरआई की सुविधा भी आज से उपलब्ध हो गई सिटी स्कैन की भी उपलब्ध है जनता पार्टी का जो कमिटमेंट था कि सभी का स्वास्थ्य राजस्थान में स्वस्थ रहे उसी प्रयास के तहत चूंकि प्रसूति यहाँ होना प्रसूताओं की बात जो कर रहे हैं आधी आबादी है उधर दो जगह पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था चाहे जनाना हो चाहे वो सांगानेरी गेट हो यहाँ विस्तार हुआ तो इसका स्वाभाविक रूप से महिलाओं को लाभ मिलेगा और यहाँ की सुविधाओं के लिए चिकित्सा मंत्री जी को धन्यवाद इसलिए है कि एक पूरी जयपुर की भी आधी आबादी को ये हॉस्पिटल कवर करता है बहुत बहुत साधुवाद और लैब खुलने से जो अभी स्वाइन फ्लू के टेस्ट लैब खुलेगा आप लोगों को अंदाज नहीं है कि उस लैब खुलने के बाद कई यहाँ पे रिसर्च भी होंगे ये एसएमएस से ज़्यादा मजबूत यहाँ एसएमएस खुलने वाला है जिसमें कई रिसर्च होंगे स्वाइन फ्लू को लेके कई भ्रांतियाँ हैं वो भी दूर की जाएगी कैमरा पर्सन रवि के साथ महिमा मंत्री न्यूज इंडिया जयपुर गोपालपुरा बाईपास की सड़क को 160 फीट चौड़ाई को लेकर जेडीए की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही वहीं इस कार्रवाई के बाद से स्थानीय लोग और व्यापारियों में खासा नाराजगी देखने को मिली स्थानीय लोगों ने मुआवजा और पुनर्वास की मांग की लेकिन जेडीए और प्रशासन ने उसे नकारा है वहीं कुछ कार्रवाई आज अधूरी रह गई जिसके चलते कार्रवाई कल भी जारी रहेगी मैं यहाँ पे 12 साल से बैठा हुआ था और मेरी दुकान तोड़ दी गई है बिल्कुल भी कोई मुआवजा नहीं है उसका और अभी कहीं जाने की हमारे पास में व्यवस्था नहीं है कि हम कहाँ जाएं अभी सामने दिवाली है बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है अभी हमको और हमारे पास में कोई फैसिलिटी नहीं है जेडीए ने हमें कुछ भी नहीं दिया है और मतलब हम बेखबर हो गए हैं अभी दिवाली है सामने कोई 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 भी सुनवाई नहीं है हमारी लाइट के लिए हमें बात करें
अब तो यार क्या परेशानी है, अब तो कोई सोल्यूशन नहीं है अब इस चीज़ का हमारे पास में। जो कल हमने कार्रवाई जहाँ से छोड़ी थी उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज जो ये बड़े निर्माण हैं, जो दो दो तीन तीन मंजिल वाले निर्माण हैं, उनको हम बड़ी मशीनरी लगा कर ध्वस्त करवा रहे हैं, और इसके बाद हम लोग ये त्रिवेणी पुलिया से आगे बढ़ेंगे। जो जो जहाँ पर भी निर्माण अवैध निकल रहे हैं उनको पूरी तरह से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऑन एन एवरेज कल निर्माण जो ध्वस्त हो चुके हैं वो 150 से 200 के बीच हो चुके हैं। सही अंदाज़ा लगाएं तो जितने हमने 225 नोटिस दिए हुए हैं उनमें से 130 में कल कार्रवाई पूरी कर चुके हैं। अब इसके बाद जो 130 के आगे नोटिस दिए हुए हैं उनमें हम बढ़ रहे हैं। नहीं, नोटिस जो देने थे वो तो हम दे चुके हैं ऑलरेडी, अब तो ये फील्ड एक्शन हो रहा है। जितनी कल मशीनरी लगाई गई थी ठीक उतनी मशीनरी लगाई गई है। इसके अलावा हमने थोड़े से ब्रेकर्स और मंगवाए हैं जो ये बड़े निर्माणों में बड़े कारगर है। कैमरा पर्सन रवि के साथ दीपक चावला, न्यूज इंडिया, जयपुर। नगर निगम में शुक्रवार को हो रही साधारण सभा की बैठक में स्वच्छता अभियान के तहत करवाए जा रहे कार्यों का विरोध को लेकर गुरुवार को कांग्रेस पार्षद दल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में महापौर को घेरने की रणनीति तैयार की गई। काफी लंबे समय से साधन सभा की बैठक होने जा रही है और जिस प्रकार से साधन सभा में जो एजेंडे रखे गए हैं वो जनहित से ना होकर एक सफाई का एजेंडा रख दिया, जो कि सफाई होनी चाहिए हम भी कहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से विकास कार्यों के एजेंडे थे और मर्तक आश्रितों के एजेंडे थे वो होने चाहिए, लेकिन वो नहीं होने के कारण से जयपुर शहर की जनता इस साधन सभा से दूर हो जाएगी, उस प्रस्ताव से दूर हो जाएगी। हमारा मानना है कि साधन सभा में ऐसे एजेंडे रखकर महापौर को एक सहानुभूति दिखानी चाहिए थी कि जिससे जयपुर शहर का विकास कार्य हो, बंद पड़े विकास कार्य चालू हो। कैमरा पर्सन विजेंद्र सिंह के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज इंडिया, जयपुर। नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और ऐसे में शहर के बाजार भी नवरात्रों के रंग में रंग चुके हैं। महिला हो या पुरुष हो या बच्चे, सभी माता रानी की उपासना के साथ साथ बाजारों में भी जमकर खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। और विशेषकर जब बात हो जयपुर वासियों की तो जयपुर राइट सबसे पहले माता को मनाने में सबसे आगे रहते हैं और खरीदारी में भी सबसे आगे रहते हैं, और इसलिए जयपुर वासी सभी नवरात्र के 9 दिनों में रंगने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बाजार पहले से सज गया है, बाजार में काफ़ी अच्छी चहल पहल है, लोग खरीदारी करने आ रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल है। गरबा की ड्रेस वगैरह और भी कुछ आइटम, जूते वगैरह, कपड़े वगैरह काफी कुछ खरीदारी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय राजपूत के साथ करिश्मा वर्मा, न्यूज इंडिया, जयपुर। नवरात्रि के 9 दिनों के आगाज के साथ ही शुरू हो चुका है अच्छे दिन। अच्छे दिन मतलब कोई भी चीज शुरू करने या फिर कोई भी खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त। ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों में किया गया कोई भी कार्य या खरीदी हुई कोई भी चीज बरकत देती है, उस पर माता रानी का साक्षात आशीर्वाद होता है। ज्वाला माता का मंदिर कई साल पुराना है, वर्षों पुराना है। यहाँ पे घुटने की पूजा होती है, घुटने पे मूर्ति का पूरा रूप दिया गया है। यहाँ आज का नाम है, पहले नवरात्रि की पूजा की गई है, ये अगर हम आज माता का विशेष श्रृंगार किया गया है। यहाँ भारतवर्ष के यात्री आते हैं, यहाँ मंदिर के पुजारियों द्वारा यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था की जाती है। मैं माता के दर्शन करने के लिए आया हूँ, हर साल यहाँ पर आता हूँ, पैदल यात्रा करता हूँ। यहाँ पर माता के हर मनोकामना पूर्ण होती है और काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। यहाँ पर बाहर से काफ़ी आदमी आते हैं, जब से मैं शुरू से यहाँ से 10-12 साल से आ रहा हूँ लगातार, और यहाँ पर साल में 2 बार माता का मेला भरता है। 9 दिन के लिए नवरात्रि होते हैं तो 9 दिन तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, काफ़ी संख्या में आदमी इकट्ठे होते हैं, हर मनोकामना पूर्ण होती है, हर आदमी की पूर्ण होती है। यहाँ पर दिनों दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है यात्रियों की, और काफ़ी अच्छा महसूस होता है यहाँ पर माता के आने के बाद में। कैमरा पर्सन दिनेश पारी के साथ शालिनी जोशी, न्यूज इंडिया, जयपुर। We'll be right back.